फैसला मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था और मेरे कॉन्शियंस ने मुझे मजबूर किया कि मैं सिर्फ सच्चाई का साथ दूं। और सच ये है कि समीरा बेकसूर है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट समीरा सिंह को एक मिशन का कमांडर बनाया गया था। उस मिशन के को पायलट अभिमन्यु अधिकारी के गवाही के अनुसार समीरा बेगुनाह है, लेकिन फिर भी समीरा ने एयरफोर्स के रूल्स को तोड़ा है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और उस गलती के लिए समीरा सिंह के कोर्ट मार्शल पे डिसीजन लेने के लिए इस कमेटी को थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक आप सब हॉक्स बाहर वेट करें। फैसला मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला और सच ये है कि समीरा बेकसूर है। अभिमन्यु, कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं, इसलिए सिर्फ थैंक्स। तुम तो जानती हो कि मैंने हमेशा तुम्हें इरिस्पॉन्सिबल और इंपल्सिव समझा है, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं गलत था। तुम इरिस्पॉन्सिबल नहीं, तुम इंडियन एयरफोर्स के लिए अनफिट हो। अभिमन्यु, ये सब तुमने जो अभी अंदर कहा वो गलत कहा। तुम्हें क्या लगता है, तुमने जो भी कुछ किया मैं उससे सहमत हूं क्या? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता ना, मैंने अंदर जो भी अभी कहा तुम्हारे फेवर में, उसका ये मतलब है कि मैंने तुम पर रहम खा लिया? मिस समीरा सिंह, मैंने अंदर जो भी किया जो भी कहा वो वीर सर के लिए किया, हॉक्स के लिए किया, अपने इस मिशन के लिए किया, क्योंकि ये तीनों चीजें मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखती हैं। तुम्हें तो शायद इस बात का एहसास नहीं होगा कि आज तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हॉक्स एक इतिहास बन जाता, एक फेल्ड मिशन, और वीर सर के इस क्लीन करियर पर हमेशा हमेशा के लिए एक धब्बा बन जाता। जिस बात की गवाही दिल न दे वो बात नहीं करनी चाहिए, और आज तुम्हारे फेवर में गवाही देकर मैंने जिंदगी में पहली बार झूठ बोला, पहली बार अपनी जिंदगी में सिद्धांतों के साथ समझौता किया, और मेरी जिंदगी में सिद्धांतों के सिवा और कुछ नहीं है। अंदर ये लोग क्या डिसीजन लेते हैं आई डोंट नो, बट आई एम वेरी क्लियर, यू डू नॉट फिट हियर एट ऑल। आज जो हुआ पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा लगा जैसे मैं तलवार की धार पर चल रहा हूं। एक समय तो ऐसा लगा जैसे कम्युनिटी हॉक्स को पूरी तरह से डिसॉल्व कर देगी, लेकिन मैंने किसी तरह हॉक्स को बचा लिया। मेरे भी लिमिटेड पावर है, मुझसे जितना बन सका मैंने किया। एक सोल्जर देश की तकदीर होता है, उसके लिए देश जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट वो भी देश के लिए होता है। उसकी एक गलती से देश की पूरी तकदीर बदल सकती है। आज जब हर मोड़ पर दुश्मन हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, ऐसे में हमें सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है और वो है हमारी सेल्फ डिसिप्लिन। रूल्स और रेगुलेशंस हमारी सेफ्टी के लिए बनाई गई है, और अगर हम कंप्लीट डेडिकेशन के साथ उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करें तो ना तो कोई मिस्टेक होगी, ना तो किसी की जिंदगी दांव पर लगेगी, और नहीं हमें हमारा सर झुकाने की नौबत आएगी।
कई बार जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जबकि रूल्स और रेगुलेशंस को आपको ताक पर रखना पड़ता है, लेकिन वही हमारी जिंदगी का असली टेस्ट होता है। इसलिए जब भी कभी कोई फैसला लें, उस समय अपने दिमाग में ऑफिशियल कोड ऑफ कंडक्ट को जरूर ध्यान में रखें। अब ऐसे मुंह लटका के खड़े होने की जरूरत नहीं है, हमें हर एक गलती से लेसन लेना चाहिए। हमें अपने स्पिरिट को कम नहीं होने देना है। अभी तो और भी कई बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे, बड़ी बड़ी गलतियों को होने का डर रहेगा, लेकिन हमें उस डर को खत्म करना है। आगे का रास्ता और भी बहुत सख्त है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मुश्किलों को आसान करने का ही दूसरा नाम हॉक्स है। अब तुम लोग जा सकते हो। समीरा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट समीरा सिंह, आज तुमने वो किया जो एयरफोर्स की हिस्ट्री में इससे पहले किसी भी ऑफिसर ने नहीं किया। तुमने अपने सीनियर के ऑर्डर को डिफाई किया, एयरबेस की पूरी सिक्योरिटी को जोखिम में डाला, अपने टीम मेंबर की जान तुमने खतरे में डाली, तुमने डिसिप्लिन कोड को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया, इसलिए बात हाई कमांड तक पहुंच गई। आज के बाद तुम्हें यह तय करना होगा कि फ्यूचर ऑपरेशंस में इस तरह की गलतियां ना हो। थैंक यू सर, आज आपकी वजह से मैं सस्पेंड होने से बच गई। तुमने गलती जरूर की, लेकिन वो गलती देश के हित में थी, इसलिए तुम बच गए। आगे से जब भी कभी कोई ऐसा एक्शन करो तो उसके रिएक्शन के बारे में जरूर सोच लेना। रूल्स और रेगुलेशंस मत तोड़ो, दुश्मन की हिम्मत तोड़ो, जो तुम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। होप यू अंडरस्टैंड। अब तुम जा सकते हो। सर, थैंक्स। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एंड कांग्रेचुलेशंस। मैं अभी भी मिशन हॉक्स की समीरा सिंह हूँ। इतनी जल्दी तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, बाय द वे गाइस, इस बात पे पार्टी बनती है? यस, और पार्टी मेरी तरफ से होगी। डन। वाओ। वन मिनट। अभिमन्यु, मुझे एक और मौका मिल गया। मौका मिला है या आखिरी मौका, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जो किस्मत है ना, ये हर वक्त साथ नहीं देती, इसलिए ये हड़बड़ाना, ये बचपना, ये सब छोड़ के प्रैक्टिकल हो जाओ। कब आसमान से जमीन पे आ जाओगी पता भी नहीं चलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये ब्लैक स्पॉट्स देख रहे हो सर? ये छोटे छोटे इन स्पॉट्स को मैग्नीफाई करो, और अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो ये छोटे छोटे से दिखने वाले ब्लैक स्पॉट्स ट्रक की लंबी लंबी कतारें हैं, और अपने ही देश के करीब भल्लर गांव की तरफ ले जाया गया है। ये ट्रक्स भल्लर गांव में? पर क्यों सर? यही तो जानना है। ओके सर, मैं मैग्नीफाई करता हूँ। एक घंटे बाद मेरा कैंप शुरू होने वाला है, और कैंप शुरू होने से पहले मुझे इन तस्वीरों की क्लैरिटी चाहिए। इज दैट क्लियर? समीरा ने पाकिस्तान के जिस गांव की तस्वीरें ली थी उसकी रिपोर्ट्स आ गई है। कुछ सालों पहले वहां पर कॉलरा फैला हुआ था। जब गांव के सारे लोग मरने लगे तो उस गांव को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। तब से लेकर आज तक उस गांव में कोई नहीं रहता है, लेकिन बरसों से वीरान पड़े इस गांव में
पिछले कुछ दिनों में हलचल शुरू हो। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच बसे एक गांव का नाम है भल्ला। पिक्चर से साफ जाहिर होता है कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की तरफ से इस गांव की तरफ कुछ मूवमेंट शुरू हुआ है। मूवमेंट का मतलब होता है लोग, और लोगों का मतलब होता है एक्टिविटीज। ये कौन लोग हैं, ये जो एक्टिविटीज हो रही है वो किस मामले में हो रही है, ये पता लगाना तुम लोगों का काम है। टेररिज्म आज पूरी दुनिया के लिए अभिशाप बन गया है, और मेरा सेंस कहता है कि भल्लर गांव को भी इसने अपने लपेटे में ले लिया है। भल्लर गांव जो आतंकवादियों और उनके हथियारों के लिए बहुत ही सेफ जगह है। चारों ओर से घिरा घना जंगल, लेकिन तुम लोगों को वहां पहुंचना है। याद रहे, तुम्हारा मुकाबला उन आतंकवादियों से है जो वहां के चप्पे चप्पे की खबर रखते हैं। हो सकता है कि उनकी नजरों से बचने के लिए तुम्हें कई दिनों तक जंगल में रहना पड़े। इसके लिए तुम्हें मेंटली और फिजिकली तैयार रहना। क्या तुम लोगों ने फॉरेस्ट लैंड का नाम सुना है? यस, वही हमारा बेस कैंप होगा, उस इलाके का सबसे खतरनाक और सबसे घना जंगल। उस घने जंगल को जीतना हमारे इस ट्रेनिंग का मकसद है। अब सुबह के 6:30 बजे तुम्हें 7:30 बजे तक बेस कैंप पहुंचना होगा, एंड आई होप कि तुम इस मुश्किल रास्ते को बड़ी आसानी से फतह करोगे। रिमेंबर, ये एक अलग तरह की जंग है, एक ऐसी रेस जिसमें तुम्हें टाइम, मौत और खतरा तीनों को जीत कर आना है। कोई बहाना, कोई बचाव और कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगी। जो फेल होगा हॉक्स में उसका ये आखिरी सफर होगा, और जो जीत गया वो जाएगा मिशन भल्लर पर। ऑल द बेस्ट।
That's okay. We're a team. One for all for one. मैं कभी नहीं सोचा था कि हॉक्स में आके एडवेंचर करने को मिलेगा। अभी तक तो प्लेन उड़ाते थे, लेकिन आज जंगल में मिशन के लिए, इट्स वंडरफुल। स्टॉप! इस ग्राउंड में लैंडमाइंस बिछी हुई, एक एक कदम संभाल के रखना एंड फॉलो मी। मैं जहां कदम रखूंगा वहीं रखना। संभाल के चलना तो ठीक है, लेकिन यह बात याद रखना कि हमारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं। गाइस, वीर सर का नोट है। भल्लर के लोग मिर्ची ज्यादा खाते हैं। भल्लर के आसपास के जंगल में मिर्ची की अच्छी खासी फसल है। अगर तुम में से कोई जंगलों में किसी कारण फंस जाता है तो शायद दिनों तक मिर्ची के अलावा और कुछ खाने को नहीं मिलेगा। सो एंजॉय योर मिर्ची। मैं मिर्ची नहीं खा सकती। पहले बोलना था ना, वीर सर तुम्हारे लिए पिज्जा भेज देते। सैम, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें मिर्ची से एलर्जी है ना? और तुम जानते हो कि मिर्ची से तुम्हारी एलर्जी कितनी सीरियस है। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम एक काम करो, मेरी रोटी खा लो, मिर्ची मुझे दे दो। लाओ। नहीं सम्राट, इट्स अ मिशन। मुझे हर जंग जीतनी है, फिर वो दुश्मनों की हो या मिर्चों की। तो मिर्ची तुम खाओ, मैं नहीं खा सकती। It's so inhuman. रोटी तुम खा लो, मिर्ची मैं खा लूंगा। थैंक यू। Watch out!
थैंक यू। इट्स अ टीम। ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल।